दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस जनरल स्टडी विद आरसम में। दोस्तों आज अपन और आपसे बात करते हैं इसके बारे में। तो आपको सबसे पहले दोस्तों करना क्या होगा, आपको सबसे पहले बिल एलोकेशन करना होता है, आपको बताइए। तो बिल एलोकेशन करें, बिल एलोकेशन के अंदर जैसे आप रूटीनली बिल एलोकेशन करते हैं वैसे आपको बिल एलोकेशन करना होगा। बिल एलोकेशन में यहाँ पर आपको सैलरी डालनी है, और सैलरी डालने के बाद में यहाँ पर आप जैसी सैलरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे रेगुलर, और रेगुलर के बाद में यहाँ पर बिल नंबर डाल देंगे। अगर आप प्री मैनेजर पे कर रहे हो तो आपको 00 डालना है, और अगर आप पे मैनेजर पे कर रहे हो तो 01 डालना है। ये 00 आएगा सब DDO से प्री मैनेजर पे, ठीक है दोस्तों। ये सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपका ग्रुप क्रिएट हो गया, उसके बाद में आपको सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे। सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना है। एम्प्लॉय पे डिटेल में जैसे ही आप चले जाएंगे दोस्तों, यहाँ आने के बाद में आपको उस ग्रुप जो आपने सितंबर महीने का जो बिल एलोकेशन किया था उस बिल को यहाँ से सर्च करें। सर्च करने के बाद में एम्प्लॉय के नेम आ जाएंगे। अब आपको उसमें से वो एम्प्लॉय ढूंढने हैं जिनका आपको बिल बनाना है। तो या तो आपके उसके उनके ग्रुप अलग होंगे या एक साथ होंगे तो वो एम्प्लॉय अलग करें। तो जैसे एक तो ये हमारे कर्म जो है कार्मिक है हमारे, तो इनकी सैलरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 23,700, जो कि फिक्स कर्मचारी की इतनी होती है आपको पता है। और अब आपको करना क्या है, जो पार्शियल पे ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, इस पे आपको आना है। यहाँ आने के बाद जैसे आप पार्शियल पे पाएंगे आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, और ये आपको ऊपर इस इनके पूरी डिटेल दिखाई देगी। यहाँ आपको दोस्तों ईयर सेलेक्ट करना है, और ईयर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ सितंबर है। अब आपको वो सैलरी कब से कब तक बढ़ानी है उसके बारे में यहाँ डेट डालनी है। तो ध्यान रखें कि अधिकतम 3 दिन की है, क्योंकि 28 तारीख से ज्वाइनिंग हुई थी, और या 2 दिन या 1 दिन की सैलरी बन सकती है जब भी ज्वाइन किया उन्होंने। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर वो डेट डालनी है जब किस जिसकी सैलरी बनानी है, तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। और ये भी ध्यान रखें कि जो कर्मचारी हाफ टाइम के बाद में जिसने ज्वाइन किया है, मध्याह्न पश्चात जिसने ज्वाइन किया, उसको अगले महीने अगले दिन की सैलरी मिलेगी। यानी कि अगर 28 मध्याह्न पश्चात किसी ने सैलरी मतलब ज्वाइन किया किसी अध्यापक ने या कार्मिक ने, तो मध्याह्न पश्चात ज्वाइन करने वाले को जो है 28 को अगर किया है तो 29, 30 2 दिन की सैलरी मिलेगी। तो सितंबर महीना यहाँ से सेलेक्ट करें, और यहाँ पर अपन क्योंकि 28 मध्याह्न पश्चात इन्होंने ज्वाइन किया तो मैं 29 सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि 2 दिन की सैलरी बनानी है। और इसी प्रकार से इनका सितंबर महीना यहाँ देख लें, सितंबर महीने के आप यहाँ पर 30 तक का था तो 30 सेलेक्ट करें। तो ये दोस्तों ऑटोमेटिक 2 दिन आ जाएंगे, और 2 दिन आने के बाद में हाफ डे इस पर कुछ नहीं करना, डिडक्शन पे कुछ नहीं करना, और यहाँ आपको कर देना है सबमिट। तो यहाँ कर देंगे दोस्तों आप सबमिट, और सबमिट करने के बाद में आपके ये सक्सेसफुली डाटा एडिट हो जाएगा, और यहाँ इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ये ऊपर ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 दिन का आ जाएगा, पेड स्टेटस में है क्योंकि अभी अपन बिल बना रहे हैं। यहाँ से एग्जिट हो जाए, एग्जिट होने के बाद आपकी सैलरी ऑटोमेटिक यहाँ 2 दिन की आ गई, जो कि 1580 रुपये, जो 23,700 रुपये दिखाई दे रही वो ऑटोमेटिक आ गई, और डिडक्शन भी ऑटोमेटिक आ गया, और आपका जो 2 दिन की सैलरी है वो आपकी ये बन गई। इसी प्रकार से दूसरे एम्प्लॉय की बनाए पे मैने प्री मैनेजर पे आपको गवर्नमेंट NPS और ENPS 2 बार दिखाई देता है, और पे मैनेजर पे 1 बार, क्योंकि ये जो है PD अकाउंट होता है प्री पे मैनेजर, ये गवर्नमेंट में जमा कराना पड़ता है इसलिए दिखाई देता है। तो इस प्रकार से डिडक्शन होने के बाद में अमाउंट इनको मिल जाएगा। अब आपको सेम प्रोसेसिंग वही करनी है, DDO फॉरवर्ड कर देना है यहाँ से। और चलिए दोस्तों, ये काम कंप्लीट होने के बाद में आपको सैलरी मंथली प्रोसेस के अंदर आना होता है, और मंथली प्रोसेस में यहाँ पर आप मंथ सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर लें, और ईयर सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से यहाँ प्रोसेस आ जाएगी। यहाँ पर चेकलिस्ट पे क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद जो एम्प्लॉय जिसकी आपने सैलरी बनानी है बनाई है आपने पार्सियल सैलरी, उस पर उस एम्प्लॉय पर क्लिक करें। एम्प्लॉय पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर करते हैं प्रोसेस, तो प्रोसेस करने के बाद ये सैलरी प्रोसेस सक्सेसफुली आ गई, ठीक है दोस्तों। अब आपको फिर आपको फॉरवर्ड करना है, अगर आप सब DDO से कर रहे हो तो आपको यहाँ से फॉरवर्ड करना होता है, और अगर सब DDO से नहीं कर रहे हो तो आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना होता है। तो यहाँ से DDO फॉरवर्ड कर दें, और DDO फॉरवर्ड करने के बाद आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल लें। रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूँ, पे इनर करें, इनर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट करें, यहाँ आप महीना सेलेक्ट करें, और मंथ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करें, ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आप बिल नंबर सेलेक्ट करें, और बिल नंबर सेलेक्ट करने के बाद आप शो रिपोर्ट करें, और जैसे ही शो रिपोर्ट करेंगे आपकी रिपोर्ट यहाँ शो हो जाएगी जो अपन अभी देख रहे हैं।
चलिए दोस्तों, ये आपकी पार्सल है, तैयार है। यहाँ पर बेसिक आपका 2 दिन का 1580 रुपये, गवर्नमेंट NPS और ये सारा कटौती होके, और आपको पे मिल जाएगा 1700। ये टोटल आपका ये हो गया, जिसमें से 1422 रुपये आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका डिडक्शन 316 रुपये हो जाएगा, 158 रुपये पर डे। तो ये आपकी पार्सल सैलरी इस प्रकार से बनती है। अब बात आती है कि पार्सियल सैलरी के साथ आप कह रहे थे हमें क्या लगाना होगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पार्सियल सैलरी के साथ आपको दोस्तों लगाना होगा, उसके साथ आपको कुछ नहीं लगाना। आपको केवल अगर पहली बार सबकी सैलरी उठा रहे हो, केवल सितंबर महीने की उठा रहे हो या पहले सैलरी उठा चुके हो, तो आपको मैंने पहले बता दिया वीडियो के अंदर, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप पहली सैलरी उठा रहे हो तो उसके साथ आपको एक तो ज्वाइनिंग लेटर, एक आदेश जो ऑर्डर हुए थे आपके वो, और एक आपने कार्यग्रहण किया वो, ये 3 प्रतियां आप लगा के, लगाने के बाद आप बिल के साथ भेज दें, और सब DDO से DDO भेज दें। DDO फिर अपना आगे कार्रवाई करेगा। इस प्रकार से बिल आपके पार्सल सैलरी 2 दिनों के तैयार हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर सबको कीजिए, ताकि सब लोग जान सके, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी प्रकार हम वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए, तो नेक्स्ट वीडियो भी